रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। धरती एक बार झेल चुकी है सबसे खतरनाक भूकंप की मार्च, एक झटके में हुई थी 8 लाख लोगों की मौत। थैंक डेस्क। पश्चिमी जापान के ओसाका प्रांत में सोमवार को रिक्टर पैमाने पर 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप से काफी नुकसान पहुंचा है और कई लोगों के घायल और मारे जाने की आशंका है। आपको बता दें कि धरती इससे पहले भी तेज तीव्रता वाले भूकंप भी झेल चुके हैं। आप में से कई लोग इस बात से अनजान होंगे कि चीन सबसे ताकतवर भूकंप की मार्च देख चुका है। 23 जनवरी 1556 ये वही तारीख थी जब चीन जैसे ताकतवर शहर ने खतरनाक भूकंप के आगे नतमस्तक हो गया था। इस भूकंप ने एक झटके में 8,30,000 लोगों की जान ले ली थी। इस भूकंप को शांक्सी भूकंप कहा जाता है। तीव्रता के मामले में धरती में इससे भी तेज भूकंप आ चुके हैं, पर उस वक्त आए इस जलजल से अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। 23 जनवरी 1556 को रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता वाले इस भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। इतना इलाका पूरी तरह मिट्टी में मिल गया था। इसका असर शांक्सी प्रांत की करीब 97 काउंटीज पर पड़ा था। भूकंप की वजह से कई जगह भूस्खलन हुए थे जिससे करीब 8,30,000 लोगों की मौत हुई थी। भूकंप की तीव्रता ऐसी थी कि जमीन पर 66 फीट तक गहरी दरारें आ गई थीं और प्रभावित इलाकों में से 60% तक जनसंख्या खत्म हो गई थी। साइंटिस्ट्स के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे पता चल सके कि ये भूकंप कितनी गहराई से आया था, पर विनाश देखकर ये कहा गया था कि धरती के नीचे कई किलोमीटर की गहराई पर ये शुरू हुआ।